हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ईवी। तो सबसे पहले जानते हैं ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज अ व्हीकल दैट यूजेस वन आर मोर इलेक्ट्रिकल मोटर फॉर प्रोपल्शन, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है विदाउट एनी पेट्रोल या डीजल कंजप्शन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। सो इट कैन बी पावर्ड बाय अ कलेक्टर सिस्टम, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्रॉम एक्स्ट्रा व्हीकुलर सोर्सेज, या फिर इसे हम डायरेक्ट पावर्ड कर सकते हैं बाय बैटरी, समटाइम चार्ज बाय सोलर पैनल्स, या फिर फ्यूल को जब हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग फ्यूल सेल और जनरेटर। ऑल दिस से मतलब ऑल दिस मैनर्स सो ईवीज इंक्लूड करती है। मतलब ये लिमिटेड नहीं होती है रोड या रेल व्हीकल्स पे, सरफेस एंड अंडर वाटर वेसल, इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट भी देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल स्पेस क्राफ्ट भी आप देख सकते हैं। सो इस तरह से कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे चार्ज पॉट हो गया, बैटरी हो गई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर हो गए, ट्रैक्शन बैटरी पैक हो गए, पावर इन्वर्टर हो गए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर्स हो गई, ट्रांसमिशन चार्जर एंड डीसी कन्वर्टर। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिन्हें बीईवी भी बोलते हैं। तो इंटरनल कंजप्शन जो इसका इंजन होता है, ये बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में 99% करंट मूविंग पार्ट्स को मेंटेनेंस चाहिए होती है। बहुत कम नॉइज ये क्रिएट करते हैं, कोई एग्जॉस्ट नहीं होता, स्पार्क प्लग्स नहीं होते, क्लच या गियर्स नहीं होते, ना ही ये कोई फॉसिल फ्यूल्स बर्न करती है। इंस्टेंट वो यूज़ करते हैं रिचार्जेबल बैटरीज। सो जो बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनको हम घर पर ही चार्ज कर सकते हैं रात भर, उनकी इनफ रेंज होती है फॉर मतलब ऑलमोस्ट एवरेज जर्नीज। हाउएवर जो लॉन्गर जर्नीज होती हैं या जिनमें हमें क्लाइंबिंग या चढ़ाई जैसी चीज़ होती है, उसमें हमें जिसमें फ्यूल सेल चाहिए होते हैं ताकि वो रिक्वायर और चार्जिंग बिफोर अपने डेस्टिनेशन से पहले आप की जो व्हीकल है वो चार्ज हो। ऑल्सो जो रीजनरेटर ब्रेकिंग होती है या ड्राइविंग डाउन हिल होती है वो मिटिगेट करती है अगेंस्ट दिस बाय चार्जिंग द बैटरी पैक्स। द टिपिकल चार्जिंग टाइम जो इलेक्ट्रिक कार का रेंज होता है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, यानी आधे घंटे से 12 घंटे तक का, डिपेंड करता है क्या चार्जिंग स्टेशन की स्पीड है और आपकी बैटरी का साइज क्या है। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो रेंज इज़ अ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, क्योंकि समटाइम मतलब ऑलमोस्ट आपको देखना है कि आपकी जर्नी कितने की है, डेस्टिनी आपने कब को आपकी डेस्टिनेशन में कब तक पहुंच रहे हो, ये सब का ध्यान आपको रखना पड़ता है और ये एक मेजर कंसर्न है। देन द अदर टाइप इज द प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इन्हें PHEV भी बोलते हैं। रेदर देन रिलाइंग ऑन इलेक्ट्रिकल मोटर, तो जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं ये मिक्सचर होते हैं बैटरी एंड पेट्रोल पावर के, तो इसका मतलब ये एक बेटर होते हैं ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज हमें जाना है ताकि आप स्विच कर सको ट्रेडिशनल फ्यूल में, रेदर देन आपको चार्जिंग पॉइंट्स ढूंढने पड़े ताकि अपनी बैटरी को आप चार्ज कर सको। सो ऑफ कोर्स जो सेम डिसएडवांटेजेस है वो अप्लाई होते हैं कंजप्शन इंजन व्हीकल्स पे, वो PHEV पे भी अप्लाई होते हैं है, क्योंकि इनको मेंटेनेंस की नीड होती है, इंजन नॉइज करता है, एमिशन होते हैं एंड कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल। तो ये जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं इनके बैटरी पैक छोटे होते हैं, इसका मतलब इनकी रेंज भी रिड्यूस्ड होती है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस मीन्स कि आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो लोअर है। तो जो रनिंग कॉस्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वो इक्वेलेंट पेट्रोल या डीजल व्हीकल से बहुत कम होती है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपके इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं बैटरी को चार्ज करने में, इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल का यूज़ होना लाइक पेट्रोल और डीजल। तो कुछ टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ह्युंडई, हीरो, जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कुछ इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स देखे, स्कूटीज देखी हैं, इनकी लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की लो मेंटेनेंस कॉस्ट इसलिए होती है क्योंकि उसमें कोई इंटरनल कंजप्शन जो भी उसके पार्ट्स में उसको नहीं होता। द सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स भी लेस होती है अगर हम कन्वेंशनल पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स की बात करें उनके कंपेयर में। जो टैक्स एंड फिनेंशियल बेनिफिट्स है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स, ये भी बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू, और मल्टीपल पॉलिसीज है, इंसेंटिव्स है जो गवर्नमेंट ऑफर कर रहा है, डिपेंड करता है आप किस स्टेट में रहते हो। कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, साइलेंट फंक्शनिंग कैपेबिलिटी है, कोई इंजन नहीं है अंडर द हुड, और नो इंजन मीन्स नो नॉइज। द इलेक्ट्रिक मोटर फंक्शन बहुत साइलेंटली कि आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा, और चेक करना पड़ेगा आपको कि भाई ऑन भी है कि नहीं है। सो अगर हम इलेक्ट्रिक वर्सेस गैसोलाइन की बात करें तो नो टेल पाइप एमिशन, यूटिलिटी कंपनी, 100% माइल रेंज, आवर्स टू रिचार्ज और 2 सेंट्स पर माइल, अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें। देन गैसोलाइन की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेज का पोल्यूशन है, ओपी आपको वो है 300 प्लस माइल रेंज है, माइन्यूट्स टू रिफ्यूल करना 12 सेंट्स पर माइल।
सो ये कुछ कंजप्शन इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन में फर्क है। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर। तो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी मोस्टली कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल मोटर होती है इंस्टेड ऑफ इंटरनल कंजप्शन इंजन, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हमारे इन्वायरमेंट को बहुत डिग्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे स्विच होते हैं तो एक तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है, हमारे एक सस्टेनेबल एनर्जी मेजर है जो हमें लेना चाहिए और उसे पूरा प्रोफेशन प्रोसीजर से फॉलो करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।